Zone Ads, world of local business info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. Namaskar. मैं डॉक्टर चेतन महाजन, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैदराबाद से. मेरे सारे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कुरशांग और बागडोरा के जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार. हम एक ऐसे कंडीशन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जबकि सारी कंट्री उलट पुलट हो चुकी है. कोरोना हमारे ज़िंदगी में आ चुका है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है. हमारे पास में उसको तोड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कोई अच्छा वैक्सीन भी अभी उपलब्ध नहीं है और ऐसे स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल केयर और प्रिकॉशंस ही हमें सेफ रख सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जो हमारे वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं, हमारे वेलविशर्स हैं, वो सेफ है और किसी को कोई जीवित हानि वगैरह नहीं हुई है. मित्रों, बात यह है कि जब हम कोरोना को फेस करना हमने शुरू किया तो कई सारी चीज़ें हमारे लाइफ से जुड़ गई जो हम एक्चुअली भूल चुके थे, लेकिन जो अपने कल्चर की बात है. से फॉर एग्जांपल, हम हिंदुस्तानी कल्चर में ज़्यादातर हैंडशेक करना वगैरह मुनासिब नहीं समझते थे, नहीं करते थे. हम लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे. तो ये सारी जो थोड़ी सी भूली हुई जो बातें वो वापस आ चुकी है. एट द सेम टाइम कई सारे डायटरी चेंजेस हमने एक्सपीरियंस किए हैं और हमारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, चाहे कहीं आप डॉक्टरों को मिलो या किसी को मिलो, सारे के सारे लोग हमें एक रेडिकल डाइट चेंज या हमारा जो डाइट की या खान पान की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है उसे हम बदल रहे हैं अभी, और वो एक बहुत अच्छी बात है. तो इसी के चलते हुए मैं मेरे सारे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहता हूँ जो ये जनरल हेल्थ टिप्स है. आई एम वेरी श्योर आपके नज़दीकी डॉक्टर्स, फिजिशियंस या सर्जन्स है वहाँ पे, वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं. एक मेरा भी छोटा सा प्रयास है कि आपका लाइफ जो है वो बेहतर और अच्छा रहे. सो व्हाट इज़ टू बी डन? सबसे पहली बात यह है कि मैं जब लास्ट ईयर जब वहाँ आया था और मैं सारे लोगों से मैं बात कर रहा था तो मुझे दो चीज़ें बहुत खटक गई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी. वो पहला पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों का डाइट जो है वो बहुत एक्सेस, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं. नॉन वेजिटेरियन फूड खाने में खराबी कुछ नहीं है, लेकिन हम बैलेंस भूल जाते हैं हमारा. तो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, छोटे टाइम में आप प्लीज़ समझ लीजिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी है. आप एक ही एक चीज़ खा रहे हो तो वो सही नहीं है. आप अगर नॉन वेज ही खा रहे हो, अगर आप वेजिटेरियन सब खा रहे हो, या आप एक टाइप का ही फूड कंज्यूम कर रहे हो, चावल ही खा रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट. व्हाट यू नीड इज़ बैलेंस्ड फूड. इट शुड हैव वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दही हो, छाछ हो, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. इसके अलावा अगर डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, जैसे वेजिटेरियन लोग जो है उनके फूड में नेचुरल प्रोटीन कम रहता है, क्योंकि दाल वगैरह जो जिसमें प्रोटीन होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, वो ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाते नहीं है. तो ट्राई एंड इंक्लूड समथिंग प्रोटीनियस. इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, सोया इंक्लूड कर सकते हैं आप. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नॉन वेज ईटर्स. नॉन वेज खाने वालों लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि दे शुड ईट इक्वल अमाउंट ऑफ फाइबर, अदरवाइज उनको इंडाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाएंगे. ज़्यादा रेड मीट खाने से, मटन खाने से लिवर काफ़ी डैमेज हो सकता है. ऑलरेडी जो पेशेंट्स डायबिटिक है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में तो रेड मीट कंजम्पशन कम ही होना चाहिए, क्योंकि रेड मीट में एडल्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है, वो ऑयल ज़्यादा खाता है, और इन जनरल इट्स अ बैड पैकेज फॉर हेल्थ. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो. अगर आपको शौक है नॉनवेज खाने का, आपको रोज़ खाना है, तो उसकी मात्रा, उसका प्रोपोर्शन कम रखिए. अदरवाइज यू डेसिग्नेट के हफ्ते में एक या दो बार ही आप खाएंगे वगैरह. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन डू दैट.
द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन डाइट इज़ दैट वाटर कंजम्पशन. ठंड है आपके एरिया में, मैं जहाँ तक देखा हूँ वाटर कंजम्पशन कम रहता है. ऐसे स्थिति में जानबूझ के थोड़ा सा वाटर इंटेक पे ध्यान दे के वो वाटर अच्छा लेना ये बहुत ज़रूरी है. कम पानी पीने से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट फ्रॉम द स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉसेस, हेयर इश्यूज, जनरल हेल्थ, किडनी स्टोन्स वगैरह वगैरह. सो प्लीज़ मेंटेन वेरी गुड वाटर इंटेक. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वॉट इज़ द, आप क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो. आप कारण ढूंढता है आदमी फिजिकल एक्टिविटी ना करने के लिए, जो गलत है. एक रेगुलर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग, अगर स्विमिंग कर सकते हो तो वो, साइकिलिंग, ये छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको फिट रखेंगे. फिटनेस का मतलब हर एक इंसान ने जाके जिम ज्वाइन करना है नहीं होता है. फिटनेस अलग बात है, बॉडी बिल्डिंग अलग बात है, और वेट लूज़ करना एक बात है और हेल्थ मेंटेन करना एक बात है. हमको क्या अचीव करना है ये ठीक से एक बार खुद समझ लीजिए. और एक रेगुलर 20-30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते में से कम 5 दिन करना ज़रूरी है. वो अगर हम नहीं करेंगे तो चाहे हम कुछ भी डाइट करो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इस सब स्थिति में अगर आपकी अनबन है हेल्थ, अगर आपकी शुगर ऊपर जा रही है, नीचे हो रही है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन इमिजिएटली. उस पर बैठे मत रहिए कि अभी करोना है, अभी क्या जाना है. ये गलत अप्रोच है, इससे हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं. करोना की स्थिति में कई सारी चीज़ें सामने आई है, जैसे कई तरह के विटामिन्स, कई तरह के नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट्स, जड़ी बूटियाँ वगैरह वगैरह लोग ले रहे, एडवोकेट कर रहे हैं. अ वर्ड ऑफ कॉशन, बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड अनरिकग्नाइज चीज़ मत लीजिए. उससे कई जगह लिवर हो, किडनी हो, कुछ डैमेज हो सकता है जिसका हमें पता लगना भी मुश्किल हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंटेड मेडिकेशन. तो व्हेन आप ये एडवाइस किसी से लेते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हमें क्या खाना है और कितनी मात्रा में लेना है. लेकिन रोज़मर्रा के स्टैंडर्ड कंपनीज के मल्टीविटामिन्स हो, थोड़ा सा विटामिन सी हो, मल्टीविटामिन्स विद जिंक सप्लीमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली है. आई विल इंसिस्ट कि थोड़ा हल्का गर्म पानी पीने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इवन फॉर इम्यून सिस्टम और गले के लिए आपके. एट द सेम टाइम वहाँ वैसे भी अभी ठंड शुरू होने वाला है, तो बजाय शराब ज़्यादा पीने के थोड़ा स्टीम इनहेलेशन या वार्म वाटर गार्गलिंग, ये सिंपल चीज़ें कीजिए जिसमें मेडिकेशन की, डॉक्टरी एडवाइस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है. आई एम वेरी श्योर अगर ये सब आप लोग करेंगे तो आप अच्छे से और बिल्कुल सेफली रह सकते हो और कोरोना जैसी चीज़ें और इतर बीमारी आपको तकलीफ नहीं देंगी. किसी भी समय लिवर डिसीजेज, पैंक्रियाटिक डिसीजेज, ऐसा आपको कुछ भी अगर इशू लगता है, वहाँ डॉक्टरों का अवेलेबिलिटी आपको अगर मुश्किल लगता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हम लोग वीडियो कंसल्टेशंस दे रहे, ऑडियो कंसल्टेशंस दे रहे ताकि हमारा पेशेंट सफ़र ना हो. ऐसी किसी भी स्थिति में आपको अगर कंसल्टेशन लेना है तो मेरा नंबर है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए. इट इज़ 7799732222. और एक नंबर है 7799110616. हमारे वेबसाइट के जरिए भी आपका अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हैं. वेबसाइट है www.drchetanmahajan.com. किसी भी समय हम आपसे एक क्लिक, एक मैसेज या एक फ़ोन कॉल दूर है. आप कभी भी आपको अकेला मत समझिए. एनी टाइम आवर टीम इज़ देयर टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच.